गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे दीपक बुक से रिवीजन की फॉर्म में हम रिवाइज करेंगे। हमने जो इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट जो है ग्लांस के साथ डील करके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा ताकि हमारे जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हमारा जो सिलेबस है वो रिवाइज चल रहा है, तो ये जो हमारा चैप्टर था हमने क्लास में अच्छी तरह से कर लिया था। अब हम इसको रिवीजन के तौर पे हमारी जो दीपक बुक है उसके थ्रू हम डील करेंगे, जो चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी गति और दूरी को मापना, दूरी मापन, ये चैप्टर का हिंदी में नाम रहेगा। तो ये जो चैप्टर कह रहा है कि एंशियंट टाइम में आप सभी ने कोई ट्रांसपोर्ट का मोड तो देखा होगा। तो जब पुराना समय होता था तो लोग जो है एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते थे, यानी ट्रांसपोर्ट करते थे, या किसी भी चीज़ को या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना होता था, तो पीपल क्या करते थे, लोग क्या यूज़ करते थे, आप लोगों ने देखा है कि सीधा ही पैदल पे ही चलना स्टार्ट कर दिया। तो पहले के जो लोग होते थे वो कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो है तरीका यूज नहीं करते थे, सीधा क्या करते थे, पैदल ही यात्रा करना स्टार्ट कर देते थे। बाद में क्या हुआ कि लोग जो है मॉडर्न होते गए, आधुनिक होते गए, और एंशियंट टाइम में चेंज आया और मॉडर्नाइजेशन जैसे ही आया तो लोगों ने पैदल ट्रैवल करना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या रहेगा कि कोई भी चीज़ जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करती है उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसपोर्ट, यानी जिसकी हेल्प से कोई भी चीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाए तो वो क्या होगा। जैसे बाइसिकल पे हम सवार होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कार पे भी हम जाते हैं, बुलक कार्ट पे भी जाते हैं, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, बैलगाड़ी, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, बोट में जाते हैं, शिप में जाते हैं, या एरोप्लेन। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का नंबर 1 सोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि आपने 2 एग्जांपल देने हैं जिससे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लैंड पे। तो लैंड पे हम किस किस से चलते हैं, जमीन पे क्या क्या चीज़ चलती है, बाइसिकल है, कार है, बुलोक कार्ट है, ट्रेन है, बस है। उसके बाद पूछेगा पानी में क्या चीज़ चलती है, तो पानी में क्या चलता है, बोट चलती है और शिप चलती है। उसके बाद पूछेगा कि एयर में क्या चलता है, तो एयर में क्या होगा हमारा, एरोप्लेन। तो इस पॉइंट से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सोल्व हो जाएगा कि लैंड पे चलने वाले जो हमारे ट्रांसपोर्ट है वो कौन से हैं, पानी में चलने वाले एक्वेटिक कौन से हैं, या हमारे एयर में चलने वाले हमारे एरियल कौन से हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्वेश्चन की हाउ मैनी ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब स्टार्ट हुआ तो इसकी जो डिस्कवरी थी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हम जब चलना स्टार्ट कर दिया था पैदल तो वहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग था वो कंसिडरेबली चेंज हो गया था। वहाँ पे किसके थ्रू चेंज हुआ, व्हील के थ्रू। तो चक्कर यानी पहिए का जब आविष्कार हुआ तो डिस्कवरी ऑफ व्हील हुई, तभी से क्या हुआ था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट। क्योंकि जिसने भी ये चक्कर चलाया था यानी ये पहिया बनाया था, तो पहिया बनाने वाले ने देखा कि वो घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो जैसे पहिया चलता है तो ऐसे ही हम कोई ऐसी चीज बना ले पहिए से जिसके थ्रू हम भी वहां पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके। तो ये जो हमारा सिस्टम था डिस्कवरी का चलता रहा, फिर बाद में किसी ने भाप का इंजन यानी स्टीम इंजन बनाया जिससे हमें एनर्जी मिली, और उसके बाद एंशियंट टाइम में जब लोग फुट पे चलते थे तो वो लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं करते थे, ज़्यादा कर भी लेते थे तो बाद में प्रॉब्लम आती थी, उनकी जो पैर की जो पोजीशन देखे तो वो क्या होती थी, चौड़ी चौड़ी होती थी, और उनका जो डिस्टेंस का जो स्टेप होता था वो लंबा हो जाता है। क्योंकि जब कोई पैदल चलता है स्पीड से चलता है तो उनके जो पैर की जो उंगलियां हैं वो उन पे प्रेशर पड़ता है, चौड़ी हो जाएंगी, और जब वो चलने के लिए लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा तो उनका जो स्टेप है यानी पैर का जो डिस्टेंस है, एक पैर उठाएगा दूसरा उठाएगा, तो जो स्टेप होगा, पग होगा, उसका दूरी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा, यानी लंबे लंबे क्या करेगा, वो डेंगे वहाँ पे भरेगा। तो उसको वहाँ पे हम कहते हैं कि वो जो स्टेप होता है इधर से इधर चलने में, जब उसने पैर चलाया, एक पैर को उठा के जब इधर रखा तो उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे यानी मापेंगे, उसी को हम क्या नाम देते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जब हम करेंगे तो उसके लिए एक यूनिट लगाएंगे, इकाई लगाएंगे कि किस में हम उसको मेजर करेंगे। तो आप यहाँ पे बताओगे कि उसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, या
किलोमीटर में भी हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, बट यदि ह्यूमन की बात हो रही है पैर की, तो पैर को हम किसके थ्रू मेजर करेंगे? सेंटीमीटर। जब कोई चीज़ ज़्यादा दूरी मापेगी तो उसको हम क्या करेंगे? मीटर। कोई और ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी तो उसको किस में मापेंगे? किलोमीटर। तो ये क्या है? हमारी यूनिट है मेजरमेंट की। यानी मान ले हम कि पैदल हम गए तो सेंटीमीटर से मापेंगे, उसके बाद वो मीटर में हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की तो किलोमीटर में। जैसे हम कहें बस किलोमीटर ट्रैवल करती है, ट्रेन भी किलोमीटर ट्रैवल करती है, मीटर जो हम खुद चल लेते हैं, सेंटीमीटर भी हम खुद चल लेते हैं। तो 1790 में फ्रेंच जो है, फ्रांस का एक ऐसा सिस्टम आया था जिन्होंने इसको मेजरमेंट को एक सिस्टम का नाम दिया, और वो मेजरमेंट का जो सिस्टम है उसको हमने क्या नाम दिया था? मेट्रिक सिस्टम। यानी हमने 10 डिजिट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया था? काउंट करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा सिस्टम चेंज हुआ यूनिट को मेजर करने का, और वो बन गया हमारा SI यूनिट सिस्टम। यानी इसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट। तो ये क्या रहेगा? हमारा SI यूनिट सिस्टम। तो ये SI यूनिट सिस्टम क्या था कि जब भी हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसकी जो लेंथ है हम किस में मापेंगे? मीटर। तो मीटर हमारी क्या बन जाएगी? SI यूनिट। यानी ये इंटरनेशनल यूनिट का सिस्टम है जिसको हम मीटर में यहाँ पर डिस्टेंस में मापेंगे। तो उसके बाद हम कहेंगे कि हमारा जो मोशन है वो हमारा कैसे चलता है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे सीधे चलते हैं तो सीधे में क्या बोलेंगे उसको? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जब ये मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो स्ट्रेट लाइन का हमारा साइंटिफिक वर्ड होगा रेक्टिलिनियर मोशन। जो आप नेक्स्ट क्लास 7th में लाइट वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि एक आप पाइप लोगे, उसके आगे मोमबत्ती रखोगे, और मोमबत्ती का जब प्रकाश आप इधर की साइड देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? सीधा आता हुआ। यानी लाइट जो है ट्रेवल करेगी वो भी सीधी रेखा में, और उसी को हम नाम देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये रेक्टिलिनियर मोशन ही हमारा क्या होगा? काउंट होगा, जब हम 7th क्लास में लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात की है सर्कुलर मोशन, तो हमारी जो गति होती है वो सीधी भी हो सकती है या गोल गोल भी हो सकती है। तो जब हम गोल गोल घूमते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? सर्कुलर मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पाथ को कर्व में यानी वक्राकार में घूमता है, गोलाई में घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड पाथ। और उस मोशन को हम क्या नाम देंगे? सर्कुलर मोशन। जब सीधी रेखा में जाएंगे तो कौन सा मोशन हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। और जब गोल गोल घूम के जाएंगे तो कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। तो मोशन की हमारी टाइप आ गई है दो, पहला रेक्टिलिनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा हमारा सर्कुलर मोशन इन कर्व्ड पाथ। हम मोशन की बात करें तो ये किस टाइप का मोशन और कहाँ मिलता है? यदि हम बात करें अर्थ की या सन की, तो वो उनके पास कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। घड़ी में भी कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर की बात करें कि सीधा कौन जाता है, तो एक बार जो सीधा चला जाए उसको हम क्या नाम दें? जैसे रोड पे कोई कार चल रही है, बाइक चल रही है, वो कैसी रहेंगी? रेक्टिलिनियर मोशन। या लाइट कैसे ट्रेवल करती है? रेक्टिलिनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पॉइंट 11 कह रहा है कि जो हमारा मोशन है वो यदि बार बार रिपीट हो, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ चले गए, दोबारा फिर हमने क्या किया, हम अगले दिन फिर यहीं से यहीं गए, अगले दिन फिर हम यहीं से गए। जब एक मोशन को हम बार बार रिपीट करते हैं, जैसे हम कहें एक हमारे पास क्लॉक है, क्लॉक की जो सुई है वो क्या करती है? यहाँ से यहाँ स्टार्ट होती है। जब पहले दिन यहाँ पे हमारे 3 बजे हैं तो अगले दिन भी क्या होंगे? 3 बजेंगे, अगले दिन भी 3 बजेंगे। जब कोई भी मोशन बार बार रेगुलर हो सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे? पीरियोडिक मोशन। इसको हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमारे पास एक जो है पेंडुलम है, एक बोब है, एक आप कर सकते हैं इसको घर पे ट्राई, तो एक धागा लेके उसके नीचे आपने क्या करनी है? बॉल बांधनी है। उस जब बॉल को आप हिलाओगे तो ये बॉल एक बार इस साइड जाएगी, एक बार इस साइड जाएगी, वापस यही आ जाएगी। तो ये कैसा होगा? हमारा पीरियोडिक मोशन, कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो वापस उसी पोजिशन पे आता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो बार बार रिपीट करते रहेगा मोशन, जो अपने आप को बार बार रिपीट करता रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो लोग क्लॉक में हमारा जो नीचे बोब लगा होता है उसको भी हम ले सकते हैं, तो वो क्या करेगा? एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो वो क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। अब बात करें रोलिंग ऑब्जेक्ट की, तो कोई भी जब गोल गोल घूम रही है, कोई भी बॉल जब गोल गोल ऐसे घूम रही है, तो वो किस टाइप का मोशन है? सर्कुलर। बट वो यदि एक ही स्पेस पे घूम रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे? रोटेशनल मोशन। क्लियर है? तो ये हमारा कैसा रहेगा? रोटेशनल मोशन। हमने कुछ मोशन की बात की, उनमें हम अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास एक मोशन था जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया, पहला मोशन तो हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, और यदि वो सीधा जा रहा है तो सीधा जाने में यानी स्ट्रेट जाने में हमने क्या नाम दिया उसको? रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा नाम दिया? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है,
ये हमारा पहला टाइप। दूसरा कह रहा है, यदि कोई चीज अपने पाथ को छोड़ के किसी और के चारों ओर क्या करे, रिवॉल्व करते। ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे किसी ए ऑब्जेक्ट जो है बी के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर। जैसे हम कहें ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ क्या करेगी, मूव करेगी सन के चारों ओर, तो ये क्या रहेगा, सन। तो इसको हम क्या नाम देंगे, सर्कुलर पाथ। कोई चीज अपने स्पेस को छोड़ के कहीं और घूमने के लिए जाती है तो रहेगी गोल गोल सर्कुलर। तो पहला रेक्टिलिनियर, दूसरा सर्कुलर, और तीसरा हमने बोला पीरियोडिक, कि कोई जो बॉब है, एक जो वॉल क्लॉक का बॉब है, वो क्या करेगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, और वापस कहाँ आ जाएगा, इधर। तो ये क्या रहेगा हमारा, पीरियोडिक मोशन। तो आज हमने कितने मोशन की बात की है उसको हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन। फोर्थ कह रहा है कि यदि ऐसा मोशन हो जिसके अंदर हम अपने ही स्पेस में, मान लीजिए एक गोली है, कंचा है, या कोई भी एक बॉल है, यदि एक बॉल अपने ही स्पेस पे वहीं की वहीं गोल 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 राउंड राउंड वहीं पे चक्कर लगाती रहे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पर्टिकुलर रोटेशनल मोशन। यानी जो चीज अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, जैसे अर्थ है, उसको हम रोटेशन बोलेंगे। बट यदि अर्थ सन के चारों ओर राउंड लगाती है, तो उस टाइम पे क्या ऐसे बन जाएगा, सर्कुलर मोशन। तो अर्थ के अंदर दो टाइप के मोशन है, यदि वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो वो कैसा है हमारा, सर्कुलर मोशन। यदि अर्थ की खुद की पोजीशन पे वो अपना रिवॉल्व कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। तो अर्थ जो है रोटेशन भी करती है और सर्कुलर मोशन भी, दोनों टाइप के मोशन यहाँ पे करती है। तो आज के चैप्टर के जो ग्लांस के थ्रू हमने जो है चैप्टर को डिस्कस किया है, जिसमें हमने मोशन की बात की, किस टाइप का मोशन होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला, उसके बाद हम जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन वन में हमने अभी भी सोल्व किया था कि ट्रांसपोर्ट के मोड बताने, कौन से है लैंड में, कौन से है वाटर में, कौन से है एयर में। तो एयर में क्या चलता है, एरोप्लेन, रॉकेट। वाटर में क्या होता है, बोट या शिप। लैंड पे क्या चलता है, कार या ट्रेन। ये जो आपके पास है, आप कोई भी अपना एग्जांपल ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। क्वेश्चन टू कह रहा है कि आपने ये खाली स्थान, रिक्त स्थान भरने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आप बोलोगे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, हमारी डिजिट ऐड हो जाएंगी। तो यदि हम कहें 5 किलोमीटर है और इसको 1000 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना आ जाएगा, 5000 मीटर। यानी कहें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 5 किलोमीटर कितने के बराबर है, तो 5 किलोमीटर कैसे हो जाएंगे, 5 × 1000, तो कितना आ जाएगा, 5000 मीटर के बराबर होगा, 5 किलोमीटर। मोशन, जब एक चाइल्ड है यदि वो झूले पे झूल रहा है तो वो किस टाइप का, भी अभी देखिए हमने किया था, यदि बॉब इधर उधर घूमती है तो वो कैसा था हमारा, पीरियोडिक मोशन। मोशन एक नीडल का है, जब नीडल में हम सुई डालते हैं और मशीन हिलती है तो क्या करती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये कैसा हमारा, रोटेशनल। तो इसको हम क्या नाम देंगे, मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ सेविंग मशीन, तो इट इज रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल का जो पहिया गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल में क्या था, सर्कुलर मोशन। तो ये जो हमारे दो क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने सोल्व किए हैं, उसके अलावा जो बाकी हमारे क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, व्हाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट यूज टू अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हम जब भी कई बार दूरी को मापते हैं तो हम पैर के साथ मापते हैं, पग के साथ मापते हैं, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि पग के साथ मापना कोई स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि किसी का फुट स्टेप बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, कभी भी ये सेम लेंथ को नहीं मानता। तो किसी के पैर की लंबाई ज्यादा है तो किसी की कम है, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट तो हमारे पास क्या है, हमारी SI यूनिट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसको हमने मीटर या सेंटीमीटर में हमने मापना है। तो क्वेश्चन फोर कह रहा है, अरेंज करना अपने लेंथ को इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में, कि ज्यादा कौन सी है। अब यहाँ पे आपने बड़ी करके लेके चलना है, तो पहले छोटी को लिखना है फिर बड़ी को। तो देखिए, मिलीमीटर सबसे छोटा है, उसके बाद हमारा सेंटीमीटर है, उसके बाद मीटर होता है, उसके बाद किलोमीटर होता है। तो आपने क्या करना है, पहले मिलीमीटर लिखना है, फिर आपने सेंटीमीटर लिखना है, फिर आपने मीटर लिखना है, फिर आपने किलोमीटर लिखना है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है। अब 1 मिलीमीटर को यदि हम सेंटीमीटर बनाना चाहे तो कितना होगा, 1/10। ऐसे 1 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर बनाना चाहे तो कितना होगा, 1/100। एक एक जीरो आपने क्या कर देनी है, ऐड। और 1 मीटर को यदि हम किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना चाहे, तो 1 मीटर में जो हमारे किलोमीटर करने हैं तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से।
और ये 1 किलोमीटर की बात करें तो कितने मीटर होंगे उसमें, थाउजेंड्स मीटर। ये तो थी छोटे को बड़ी करना। यदि हम बड़े को छोटा करना चाहें, जैसे मान लें 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा ऐसा बोलें, तो 1 किलोमीटर में क्या होगा, मीटर क्या होंगे, ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और यदि मीटर को किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, किसी चीज़ को बड़ा करना है तो क्या करना होता है, डिवाइड, और छोटा करना होता है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाइट है एक पर्सन की 1.65 मीटर, तो इसको आपने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिख के बताना है। तो मीटर में दी गई है 1.65 मीटर, तो 1 मीटर आपने क्या करना है, उसको काउंट कर लेना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, बाकी कितने बच गए हमारे पास, 65, तो 65 भी क्या है, सेंटीमीटर। इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना, ऐड, और आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर। यानी एक तो मीटर बताया और पीछे सेंटीमीटर है, तो ये हम क्या करेंगे, 65 को 100 में क्या कर देंगे, प्लस, तो आंसर आ जाएगा 65, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और 1 सेंटीमीटर कितने, 10 मिलीमीटर। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि राधा डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपने स्कूल से, इतनी दूरी पे जाती है 3,250 मीटर, और अपने डिस्टेंस कैसे डिनोट करनी है, किलोमीटर। अभी हमने बात किया था, यदि मीटर के किलोमीटर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3,250 क्या जाती है, मीटर, और मीटर को हमने किस में चेंज करना है, किलोमीटर, तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड को हम क्या बोलेंगे, भाग। भाग कैसे करेंगे, मीटर में हमारी डिजिट कितनी होती है, 1,000, तो इसको क्या करेंगे हम, 1,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और 1,000 से जब इसको डिवाइड करके हम कट करेंगे, तो आप कट करोगे तो क्या आंसर आएगा, पहले 3 पे आपका स्टार्ट होगा, फिर आपका 250 बच जाएगा, 250 के पीछे आप 0 लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा, नहीं चलेगी। तो उसके बाद इसको जब आप कट कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, 3.250 किलोमीटर। तो हमने इसको क्या बना लिया, मीटर से किलोमीटर डिवाइड करके। अब कह रहा है कि लेंथ है कोई भी, आप धागा डाले और निडल के अंदर उसको आपने स्केल के साथ मापना है, और वो कह रहा है 3 मीटर है, और अदर एंड कह रहा है कि उसका 33.1 मीटर है, तो आपने लेंथ बतानी है निडल की कितनी है। तो कह रहा है जब आपने रीडिंग की है तो क्या कहा, आपने पहले कितना बोला, 3.0 सेंटीमीटर, फिर आपने अनदर एंड को मापा, वो कितना था, 33.1 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे कि आपने इस निडल के अंदर धागा जो मापा है वो आपने कहा कि इधर तो कितना है, 33.1, और इधर कितना जा चुका है, 3, तो ये 3.0 है और ये क्या है हमारा, 33.1। तो ये कह रहा है कि जब आप मेजर करते हो किसी भी निटिंग निडल के अंदर धागा मारने वाला जो स्केल है, तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ निडल आपने क्या करना, वहाँ पे माइनस कर देना। यानी ये हमारी सुई है जिसमें हमने इतना लंबा धागा डालना है, तो जितनी लंबाई रहेगी सुई की उतना धागा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने निडल की जो है लेंथ मापनी है, तो निडल की लेंथ क्या होगी कि जितना हमने धागा लिया है उसमें से जो हमने निकाल लिया है, तो निकाला कितना है, 3.0, तो कितना बच जाएगा हमारा, माइनस करेंगे 3.0 को और बच जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। तो 31 में से क्या करना, 3 को माइनस कर लेना। क्वेश्चन 8 कह रहा है सिमिलैरिटी बतानी या डिफरेंस बताने मोशन बाइसिकल में और सीलिंग फैन में। देखिए सीलिंग फैन तो वहीं की वहीं क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, क्या करेगा, वहीं रोटेट करेगा, जबकि बाइसिकल क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेगी, जाएगी। तो साइकिल से आप क्या करते हो, इधर भी जाते हो आगे भी जाते हो, तो ये कैसा रहेगा हमारा, मोशन दोनों में है, ये तो सिमिलैरिटी रहेगी कि दोनों का ही क्या है मोशन, और दोनों के जो चक्कर है वो गोल गोल रोटेशन घूमते हैं। बट डिसिमिलैरिटी क्या रहेगी, अंतर क्या रहेगा कि जो बाइसिकल का जो व्हील है वो रेक्टिलिनर मोशन करेगा, जबकि हमारा जो सीलिंग फैन है वो रेक्टिलिनर मोशन नहीं करेगा, क्योंकि साइकिल का जब पहिया एक साइड पे घूमेगा तो आगे जाके वो दूसरे स्पेस में घूम रहा है, वो क्या होता है, रेक्टिलिनर मोशन। बट हमारा जो फैन है वो वही की वही घूमेगा, तो वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। तो ये उनमें क्या होगा, डिफरेंस मोशन दोनों में होगा, दोनों ही रोटेट करेंगे, बट एक रेक्टिलिनर मोशन करेगा, एक सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपने एक टेप जो है लेनी है मेजर करने के लिए, इलास्टिक मटेरियल है रबड़ का, और उसके लिए आपने क्या करना है, टेप को जो है वहाँ पे मेजर डिस्टेंस के लिए करना है। तो जब आप मेजर करोगे किसी भी रबड़ को, प्लास्टिक को, किसी मेजरिंग टेप के साथ, तो क्या आपके पास वहाँ पे उसको मेजर करना आसान होगा, आसान होगा। तो आप जब मेजरिंग टेप से किसी चीज़ की दूरी मापते हो तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा, दिस इज नॉट। तो यदि मेजरिंग टेप की बात की जाए, हमारे फित्ते की बात की जाए, तो वो 5 फुट केवल जो है हमारा कहते हैं कि लगभग 6
जो हमारा फुट का यानी कहे तो 1.5 मीटर का होता है, तो हम यदि किलोमीटर की डिस्टेंस मापना चाहे तो उस स्केल से हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो डिस्टेंस मापने के लिए हमारा जो मेजरिंग टेप है वो हमारे लिए गुड नहीं है। वी कैन नॉट यूज इलास्टिक टेप टू मेजर दी डिस्टेंस। तो उसकी बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, अलग टाइप का जो है मेजरिंग टेप हमें यूज करना पड़ेगा जो राइट हमारे क्या देगा, मेजरमेंट। तो ये हमारा कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहेगा 9 के बाद 10, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे सोल्व होते जा रहे हैं। तो इनको अच्छी तरह से आप सोल्व कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज का। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, कौन सा है? पहला हमारा मोशन है पीरियोडिक की बात की तो पेंडुलम जो घड़ी के नीचे लगा होता है, और दूसरी हम बात करें तो गिटार। गिटार का भी जब स्ट्रिंग छोड़ते हैं तो वापस उसी पोजीशन में आता है वापस जाके। तो दोनों ही कैसे हमारे पीरियोडिक मोशन, जिसमें हमने बात की कि कोई चीज़ एक साइड जाएगी तो दूसरी वापस उधर जाके वापस उसी पोजीशन में आएगी। तो गिटार का तार भी ऐसे जाता है, खींचते हैं वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, आगे जाएगा वापस जाके वापस आएगा, श्रिंकिंग होगा वहाँ पे, थोड़ा सा कंपन होगा। तो ये सारे थे हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अक्सर साइज के विद चैप्टर ग्लांस और गुड अंडरस्टैंडिंग। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व कीजिए, लर्न कीजिए, और अपनी नोटबुक यदि कंप्लीट नहीं है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो आपके एनसीईआरटी हैं उनको जो है रिटर्न मैटर के फॉर्म में भी कंप्लीट कर लीजिए।